जय हिंद दोस्तों, हमारी रेजिमेंट सीरीज में अगली रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने अपने 200 साल के इतिहास में काफ़ी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, जिसमें वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू भी शामिल है। दोस्तों, यह रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट। दोस्तों, जाट रेजिमेंट का इतिहास कलकत्ता नेटिव मिलिशिया से जोड़ा जाता है, जो 1795 में रेज हुई थी, जो बाद में बंगाल आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन बन गई। इसके बाद 14th मुरेस जाट लांसर्स 1857 में बनाई गई। 1860 के बाद जाटों की भर्ती ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती गई और 1922 में 9th जाट रेजिमेंट, जिसको 4 एक्टिव बटालियन को जोड़कर बनाया गया। आज की तारीख में जाट रेजिमेंट में 21 रेगुलर बटालियंस, 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और 2 टेरिटोरियल बटालियंस हैं, तो टोटल 24 बटालियन हैं। इस रेजिमेंट को बहुत अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 2 विक्टोरिया क्रॉस, 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 34 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना मेडल। क्योंकि इस रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, 1947 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर और लास्ट में कारगिल वॉर में हिस्सा ही नहीं, बल्कि हमारे जाट भाइयों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, जाट रेजिमेंट में 88% जाट कम्युनिटी के जवान हैं और बाकी नॉर्थ इंडिया के हैं, पर ऑफिसर्स देश के किसी भी कोने से होते हैं। तो अगर आप एक सिख ऑफिसर या साउथ इंडियन ऑफिसर को जाट रेजिमेंट के जवानों को लीड करते हुए देखेंगे तो हैरान मत होना। जाट रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर बरेली, उत्तर प्रदेश में है। इनका मोटो संगठन व वीरता है। इनका वर्कलाइ है जाट बलवान जय भगवान। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।